पटना साहिब स्टेशन के पास 60 साल के एक व्यक्ति की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना के बाद पटना साहिब स्टेशन के जीआरपी थाना अध्यक्ष देवनंदन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि मालगाड़ी ट्रेन गुजर रही थी, जिसके बाद देखा गया कि एक व्यक्ति कटा हुआ रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। वह स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने पहचान करने से इनकार कर दिया। वही अज्ञात डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। क्या जानकारी मिली? अभी जानकारी है ना, हम लोग अभी पता लगा रहे हैं, अभी अज्ञात है, करीब 60 साल इसका उम्र बता रहा है गवाह गवाहों द्वारा। अभी हम लोग पता कर रहे हैं, उसके बाद है ना अगला प्रक्रिया जो होगा वो करेंगे। अभी जानकारी मिली कि मालगाड़ी से कोई गाड़ी से हुआ है। अब कैसे हुआ नहीं हुआ है इसका प्रक्रिया हम लोग भी जारी रख रहे हैं, पता कर रहे हैं। पुरुष है, 60 साल का उम्र है, वृद्धा है। क्या कुछ बरामद हुआ पॉकेट से? पॉकेट से बरामद भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोगों से पूछताछ, स्थानीय लोगों द्वारा कोई पता नहीं रहा है कि कहाँ का है नहीं है, इसी का हम लोग पता भी कर रहे हैं। पॉकेट से कुछ नहीं बरामद हुआ है। अपना परिचय, हम अभी प्रभार में भी हैं पटना सिटी रेल थाना का, नाम पुवनी देवनंदन सिंह। जैसा होगा अगला कारोबार हम लोग करेंगे।